ठीक ओके। नमस्कार, मैं संदीप साहू, मैं पीजीआई में डॉक्टर हूँ और मैं आज बात करना चाहता हूँ कि हम कैसे जो जीवन रुक गया है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक मतलब जिसके बाद दिल रुक जाता है, तो उस दिल को हम अपने प्रयास से कैसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ज़रूरत है बस आपकी सोच की कि आप करना चाहते हैं। और बहुत ही सिंपल विधि है जिसे हम ABC के रूप में कार्डियोपल्मोनरी रीसक्सेशन से कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रीसक्सेशन CPR। तो उसमें हम बात करेंगे कैसे हम, जैसे ABC हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें ए है एयरवे, कि सांस का रास्ता, कैसे हम सांस का रास्ता बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं जो जीवन है वो है ऑक्सीजन का प्रवाह। तो उस ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए ज़रूरी है कि एक तो रास्ता हो, कि सांस का रास्ता जो हमारे मुंह और नाक से फेफड़ों तक आता है वो खुला हो, और सांस जो नहीं चल रही है, बी मतलब ब्रीदिंग जो कि नहीं हो रही है, तो कृत्रिम रूप से हम कैसे सांस दें। तो रास्ता खोल के सांस देना, वो कृत्रिम रूप से दो सांसें देनी है, और उसके बाद क्योंकि हम जानते हैं हमारा दिल हमारे पूरे शरीर में खून के प्रवाह को बनाता है, और इस खून के प्रवाह को बनाने के लिए जो दिल रुक गया है, जो दिल बंद हो गया है, उसको हम अपने हाथों से चला सकते हैं, उस पंप को चला सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, मान लीजिए ये रामू है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके सामने गिरा है या बेहोश हुआ है, क्या वो वाकई में बेहोश है या उसका दिल और सांस चल रही नहीं चल रही है। तो उसके लिए जरूरी है, रामू जी ऐसे आप जोर से यहाँ पे गाल पे या कंधों पे ऐसे हिला के उसको पूछेंगे। अगर ये रामू जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि ये होश में नहीं है, और ये जानने के लिए कि इनका दिल चल रहा है और सांस चल रही है नहीं चल रही है, हमें इनकी यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी, जैसे हमारे यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, इस कैरोटिड अगर हम यहाँ रखें अपने, ये जो हमारा कौआ है इसके लेट किनारे करवट की तरफ दो उंगली गड्ढे में रखें, तो इस उंगली पे अगर हम 10 इसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, तो इस कैरोटिड आर्टरी को अगर हम फील करें, अगर हम महसूस करना चाहें कि अगर दिल की धड़कन होगी तो इसमें हमें धड़कन महसूस होगी, इसके लिए 10 सेकंड का समय देना है। अगर ये महसूस नहीं हो रही है और सांस में साथ हम देखें कि मरीज सांस अगर लेगा तो ये छाती ऊपर नीचे होती है, तो ये छाती जब हम सांस लेते हैं ऊपर नीचे होती है, नहीं हो रही है, और यहाँ पे भी अगर सांस लेने की आवाज़ नहीं आ रही है और आपको ये कैरोटिड आर्टरी की पल्स भी नहीं मिल रही, इसका मतलब हमारे रामू जी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और अगर इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो अब आपको क्या करना है, आपको मदद के लिए बुलाना है, जो भी आपके आसपास मदद हो कि भैया और लोगों को लाइए। और एक झटके वाली मशीन ये होती है, ये झटके वाली मशीन अगर अवेलेबल है, क्योंकि ये झटके वाली मशीन 80% जो ये हार्ट बंद हुआ है उसका कारण, जो दिल का रुकना है, वो डिफरेंट तरह एक प्रकार का अरेथमिया है, उसका इलाज इस झटके वाली मशीन से होता है, जिसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं, जिसमें ये दो पैडल होते हैं, या इसको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी कहते हैं। तो अगर ये नहीं भी है तब भी किसी और मदद के, डॉक्टर के या एम्बुलेंस के जो हमने मदद मांगी उसके आने तक इस मरीज को अगर हमें जिंदा रखना है, क्योंकि अगर मैंने जो मैं करने जा रहा हूँ अगर वो मैंने नहीं किया तो ये दिल बंद पड़ा है, और ना तो दिल को ऑक्सीजन मिल रही है और ना सबसे इम्पॉर्टेंट है दिमाग, हमारा दिमाग, क्योंकि दिमाग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी दिल से तो दिमाग काम नहीं करेगा, और सारे कंट्रोल हमारे दिमाग से। तो तुरंत हमको क्या करना है कि जैसी भी अवस्था में है हम मरीज को एक हार्ड सरफेस पे लेटाएं, तखत पे या जमीन पे आप लेटाएं, और आपको तुरंत मरीज के लेवल के ऊपर आना, देखिए मैं भी इसमें शर्माऊंगा नहीं, और यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी पोजीशन मरीज के लेवल के ऊपर हो, कोने ऐसे दोनों अपने आप कोने अपनी को इस पे बैठ सकते हैं, ताकि मेरा इसलिए जरूरी ऐसा बैठना कि मैं अपने शरीर के वजन से जो मैं पंप चलाने जा रहा हूँ उसको मैं चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं, सी जो हमें सी की बात करें, तो ये थोड़ा पास मिलेगी, ये तो जो निप्पल लाइन है ना, निप्पल्स चाहे मेल या फीमेल जो भी आदमी औरत हो, तो ये जो बीच में हड्डी है जो हमारी छाती की हड्डी होती है ये वाली, इसके अगर हम लोअर वन थर्ड को अगर हम देखें, नीचे का तिहाई भाग उस पर हम पहली हथेली रखें,
बिल्कुल सेंटर ऑफ चेस्ट में, बिल्कुल छाती के बिल्कुल बीचों बीच में, और दूसरी उंगली हम अपनी हथेली ऐसे रखें और उंगलियां छाती को ना छुएं, और मेरी कोहनी और कलाई सीधी रहेगी और मेरा वजन मरीज की छाती पे है। इसको बाद हम इसको दबाना शुरू करेंगे। कैसे दबाएंगे? 1 2 और हाथ नहीं हिलेगा और पूरा शरीर का वजन इस पर पड़ना है और वापस इसको वापस आने देना है। लेकिन ये देखिए ये कम है, इसको हमें कम से कम 100 1 मिनट में दबाना है, तो मुझे अपनी इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 28 29 30। तो 30 बार ऐसा देने के बाद मैंने अपने जो छाती को कंप्रेशन दिया, तो ये हमारा हार्ट इस हड्डी और पीछे जो कमर की हड्डी के बीच में है, जब मैं इसे दबा रहा हूँ तो दिल दब रहा है और वापस अपनी जगह पे आ रहा है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, जब मैं दबा रहा हूँ तो दिल से खून का प्रवाह पूरे शरीर में हो रहा है जो कि दिमाग में भी जा रहा है। जब मैं इसे वापस छोड़ता हूँ तो पैरों से और हाथों से खून वापस लौट के दिल में आ रहा है। तो एक तरीके से लगातार खून शरीर से दिल में आ रहा है और दिल से अब मैं ऑक्सीजन दूंगा, वो ऑक्सीजन का प्रवाह दिमाग और दिल को होगा, जिससे जो हमारा दिल और दिमाग बंद पड़ा है वो वापस चलेगा। ये सी चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद, अगर क्योंकि सांस का रास्ता खुलना है, ए भी जो मैंने बताया था, जैसे माँ बच्चे को थोड़ी पकड़ती तो ऐसे करके उसको कहते हैं चिन लिफ्ट, ऐसे करना है और थोड़ा सा मुंह खुलना है। अगर आपके पास कोई उपकरण नहीं है तो आप इनकी नाक बंद करिए, बड़ी सी मुंह खोलिए और अपने मुंह में गहरी सांस लेके मरीज के ओंठों से ओंठ लगाने हैं और देखिए छाती की तरफ देखिए, ऐसा 2 बार करना है। जो मेरे अंदर ऑक्सीजन है, जब मैंने इसे इस तरीके से बगैर किसी मशीन के इनको ऑक्सीजन दी तो ऑक्सीजन लंग तक पहुंची, फेफड़ों तक पहुंची, और फेफड़ों में जो खून का प्रवाह मेरे छाती दबाने से हो रहा है, अब ये ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे शरीर में स्पेशली हार्ट जो कि बंद हो गया था उसको और दिमाग को मिल रहा है। अगर आपके पास ये अम्बू बैग है, इसे अम्बू बैग कहते हैं, इसमें ये है कि जो मैं काम मुंह से कर रहा था, अगर आप मुंह नहीं लगाना चाहते हैं, इसमें एक मास्क दिया है जो कि मरीज की पतली ये नाक की तरफ और चौड़ा वाला मुंह की तरफ इसे लगाया जाता है, और जैसा मैंने पहले किया था कि थोड़ी उठानी है ऊपर की तरफ और 2 बार ऐसे इसे सांस देनी है। तो इस विधि से मैंने 30 बार छाती दबाई, 2 बार सांस दी। हम एक बार फिर से ये करेंगे, इस बार मैं करके लगातार दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब यहीं से मैं 2 बार सांस दे दूंगा, 1 और फिर ये दोबारा से चेस्ट कंप्रेशन, और ऐसा 30 और 2 के इस क्रम को 5 बार करना है। ऐसा 5 बार करने में 2 मिनट लगते हैं, और अगर हमने 2 मिनट किया तो जो डॉक्टर आएंगे या जो मदद एम्बुलेंस की आएगी, अगर वो ये मशीन लेके आ रहे हैं तो वो हमने इस मशीन को जब इस्तेमाल करेंगे तो मरीज की जान वापस आ सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अभी मैंने आपको करके दिखाया, वो है आपकी इच्छा और ये जानना कि ABC ऑफ लाइफ, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, मतलब कृत्रिम रूप से सांस देना, कृत्रिम रूप से दिल चलाना। ऐसा अगर हम 15 से 20 मिनट करें और 2 मिनट एक आदमी करे, और अगर हमारे पास 3-4 लोग ऐसा करें, तो 20 मिनट का समय भगवान से आप मांग ले रहे हैं ताकि अगर इस व्यक्ति की जान बचनी है तो बच सके। धन्यवाद, नमस्कार।